बारां जिले में प्रधान पद पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बारां में कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन जिला प्रमुख चुनी गई है। कांग्रेस से खड़ी उर्मिला ने भाजपा की प्रियंका शर्मा को एक वोट से हराया। भाजपा के एक सदस्य ने की क्रॉस वोटिंग की है, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ है। जिला परिषद चुनाव में 25 में से 13 पर भाजपा और 12 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक वोट का अंतर होने से मुकाबला रोमांचक हो गया था। ऐसे में भाजपा की ओर से क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस को फायदा मिला है और प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन जिला प्रमुख चुनी गई है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।